लड़की बहुत साहसी थी। कहा जाता है कि उनकी माता, वो बहुत छोटी थी तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माता यमुना गांधी थी। उनके पिता इन्हें पुत्र की तरह इनका पालन पोषण किया, इन्हें तलवारबाजी सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, तीरंदाजी सिखाया, उन्हें युद्ध कौशल में बिल्कुल सारी चीजें। शहीद वीर और वीरांगनाओं के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। बच्चों आप सोचेंगे मेरी माटी मेरा देश क्या है, तो आज हम अब आपको बताते हैं कि मेरी माटी मेरा देश क्या है, क्या इसका उद्देश्य है। अभी मैडम ने तो थोड़ा सा बता दिया है, पर मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देश 77वां आजादी का जश्न मना रहा है। पिछले साल सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान रखा था जो चल रहा था। हम लोग सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय निधि दुबे गोला गोरखपुर से हूँ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी मन की बात में 103वें एपिसोड में मेरी माटी मेरा देश का अभियान का विचार रखा था। इसका समापन 30 अगस्त को था ही कह लेते हैं जी था। तो उसमें ये है जो हम उस समय पहले की बात है कि जब आजादी पाने के लिए हमारे देश के लोग जो है जद्दोजहद में लगे हुए थे, और ये इम्फाल की पहाड़ी के वादियों में जो आप जानते होंगे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, वहाँ पे 70 साल की एक गुड़िया और उनका एक 20 साल का एक लड़का जो वहाँ पे रहा करते थे। उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है देश की आज़ादी के लिए अपनी फौज में लोगों को भर्ती करने के लिए बुलाया गया था। तो उसी दौरान इसी घर से ये लड़का जिसका नाम अर्जुन था वो जा करके उस फौज में भर्ती होना चाहता था ताकि देश के लिए अपने आप को कुछ कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। माँ बहुत खुश थी कि मेरा बेटा जो है उस फौज में जाना चाह रहा है, देश के लिए कुछ करना चाह रहा है। उस दौरान जब वो भर्ती के दौरान लाइन की प्रथम पंक्ति में जब वो था तो कर्नल ने उससे पूछा तो पता चला कि जो है वो माँ का एक लौता पुत्र है, तो उन्होंने उसको भर्ती होने से इनकार कर दिया। उसके बाद काफ़ी मान हुआ किया, उस लड़के ने कहा कि नहीं मेरी माता ये है और मुझे भर्ती कर देगी, क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का काफ़ी वो सब आदेश था कि ऐसे लोगों को ना भर्ती किया जाए जो अपने घर में अकेले थे। वो बच्चा जब घर में गया तो उसके बाद जो है वो अपनी माँ की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा था भर्ती होने में। अब उसके बाद जो है मोबाइल